हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पादप वृद्धि नियामक जो होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल, ये पांच प्रमुख ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और इनसे संबंधित हमेशा एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। इनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों को मैंने एक कविता या एक शायरी के रूप में पिरोया है, इसे आपको इस तरह याद कीजिएगा, ठीक है? सुनिए इसे ढंग से, आपको मज़ा भी आने वाला है बायोलॉजी के इस चैप्टर में और आपको सभी प्रश्न भी याद होने वाला है। ढंग से सुनिएगा, सुनो। शीर्ष प्रभाविता ऑक्सीन करे, बोल्टिंग करे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करे, फल पकाए इथाइलिन। देखो कितनी अच्छी रिदम बनी है। शीर्ष प्रभाविता ऑक्सीन करे, बोल्टिंग करे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करे, फल पकाए इथाइलिन। तो इसमें क्या समझ में आई? ऑक्सीन का काम क्या है? शीर्ष प्रभाविता करना। जिब्रेलिन का काम क्या है? बोल्टिंग करना। बोल्टिंग यानी कि जो पर्व पर्व संधियों के बीच में उसको तेजी से बढ़ाता है, पर्व संधियां लंबी हो जाती है, ठीक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करे, कोशिका विभाजन, विभेदन, परिपक्वन सभी कार्य साइटोकाइनिन के हैं। फल पकाए इथाइलिन, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। फल पकाए इथाइलिन, इथाइलिन का काम क्या है? फलों को पकाना है। अगले शेर पर आइए। एब्सिसिक अम्ल तनाव दूर करे, जीर्णता दूर करे साइटोकाइनिन, खरपतवार ऑक्सीन भगाए, प्रसुप्ति भगाए जिब्रेलिन, प्रसुप्ति भगाए जिब्रेलिन। देखो इसमें क्या कहा? एब्सिसिक अम्ल तनाव दूर करे, एब्सिसिक अम्ल एबीए तनाव दूर करे, एबीए तनाव को दूर करता है, इसीलिए एबीए को पादपों का तनाव हार्मोन कहते हैं। जीर्णता दूर करे साइटोकाइनिन, जीर्णता वृद्धावस्था बुढ़ापा, पादपों की जो बुढ़ापा है उसे साइटोकाइनिन दूर करता है लगातार कोशिका विभाजन करके। खरपतवार ऑक्सीन भगाए, ऑक्सीन का काम क्या है? खरपतवार भगाना है, जैसे 2,4-D 2,4-5-T ये यही काम करते हैं खरपतवार भगाने का। प्रसुप्ति भगाए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन प्रसुप्ति अवस्था को भगाता है, तोड़ता है, पादपों में जो लंबी प्रसुप्ति अवस्था होती है उसे तोड़ता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अगले, अब इससे संबंधित हार्मोनों से संबंधित कुछ जो केमिकल्स हैं उनके नाम देखो। IAA प्राकृतिक ऑक्सीन है, IBANA कृत्रिम ऑक्सीन, इथेफोन इथाइलीन है, काइनेटिन साइटोकाइनिन। देखो यहाँ जो पूछे जाने वाले नाम आए हैं, देखो कौन कौन सा, बहुत बार ऐसा पूछते हैं कि कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीन है, कौन सा कृत्रिम है, तो इस लाइन में ये बात आ जाएगी। IAA प्राकृतिक ऑक्सीन है, IBANA कृत्रिम ऑक्सीन, इथेफोन इथाइलीन है, काइनेटिन साइटोकाइनिन। IAA इंडोल एसिटिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सीन होता है, इसी तरह इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड ये कृत्रिम होते हैं। इथाइलीन का एक उदाहरण है इथेफोन और साइटोकाइनिन का उदाहरण है काइनेटिन, ठीक है। तो इस तरह आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले अध्याय से जो अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न है इस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। अगर वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।